भाई आरोप तो लग रहा है ना, आरोप है या नहीं है? अंजना जी आरोप वीडियो दिखाइए ना, अगर आप कह रहे हैं कि वीडियो आ रहा है, आरोप है, वीडियो दिखाइए, आरोप है कि गाड़ी, आरोप है कि उसके बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने वहाँ पे उनकी सहमति, तो आप कह रहे थे वीडियो है। चलिए आपकी बात मान ली, बीजेपी के कार्यकारी वहाँ पे कार्यकर्ता ही मान लीजिए, चलिए आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे किसानों की मौतें हुई हैं, तो क्या किसान के यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? किसान मर गया मतलब उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं मान रहे उसको, वो मर गया तो कोई जिम्मेदारी मान रहे, और कहेंगे उस पर राजनीति बिल्कुल जिम्मेदारी मान रहे। अंजना जी ये तो वो लोग हैं, नहीं नहीं वे तो वो लोग हैं, कहां तो कहते थे हर घर में चिरागा, हर घर में चिराग होगा, यहाँ तो मैसर नहीं है चिराग शहर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए, चिंता मत करो आवाज में भी असर होगा, पत्थर भी पिघलेगा, जनता भी जगेगी, सरकार भी हिलेगी, और सरकार भी जाएगी, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ, यही जनता आपकी सरकार को खाड़ फेंकेगी, जिस घमंड के नशे में आप चूर हो ना, आपको लग रहा है कि सत्ता पे, सत्ता के नशे में हम चाहे पुलिस वाले घर होटल में घुस के किसी को मार दे, या पुलिस वाले विवेक यहाँ पे विवेक तिवारी को लखनऊ उड़ा दे, या हम हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में बिना माँ बाप के परमिशन के अंतिम संस्कार जी, ठीक है पुष्पेंद्र जी, अब जबकि वीडियो के साथ सच सामने आ रहा है तो दोनों ही पक्ष दिख रहे हैं, दोनों ही गुट दिख रहे हैं, किस तरह से पहले गाड़ियों को घेरा गया है, नारेबाजी की गई है, पत्थर चलाए गए हैं, ठीक है आ रही हूँ भदौरिया जी, आ रही हूँ, सबको थोड़ा सा टाइम, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी आशोरी रिपोर्ट लंबी हो गई थी, उसके बाद सिमसी गाड़ी के लोगों को निकालकर जब वो भाग रहे हैं पीट पीट कर मार गिराया गया है, अब ऐसे में तो इंसाफ की गुंजाइश क्या बनती है आप बताइए ना, दोनों तरफ कसूर दिखता है, बस इसमें यही लड़ाई हो सकती है कि तुमने पहले उकसाया, तुमने पहले उकसाया, गृह राज्य मंत्री का बेटा वहां था या नहीं था ये तो जांच के जरिए ही पता चलेगा, जो वीडियो अभी तक सामने आया है उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है मिस्टर सिंह? देखिए गाड़ी इनकी खुद की थी, इनके बयान खुद के थे, लाश यदि वहां नहीं गिरी होती तो ये कह देते घटना नहीं हुई, गाड़ी वहां छोड़ करके ये भागे हैं, अगर गाड़ी वहां नहीं मौके पर गिरती तो कहते ये पता नहीं अपने आप गिर करके मर गए, और कल तक इनके बयान क्या थे कि साहब वो तेजी से जा रहे थे, पत्थर लग गया सिर पे, गाड़ी हमारी पलट गई, उसके नीचे मर गए, अब आपने खुद दिखाया कि गाड़ी छोड़ करके भाग रहे, पहली बात तो इनकी यही साबित हो जाती है झूठ, और जिस प्रकार का इन्होंने बयान दिया है कि हम दो मिनट लगाते हैं, दो मिनट में सीधे कर देंगे, लेकिन खुद छोड़ करके आपको भागना पड़ जाएगा, और लठैत तैयार कर दो मुख्यमंत्री इनके कहते हैं, अफसर इनके कहते हैं सर फोड़ दो, ये किस तरह का लोकतंत्र आपने चला रखा है, और आप जाकर के पीछे से आगे से नहीं, और पत्थर चला रहा होता तो पीछे से कोई पत्थर चलाता है क्या,